आप देखिए पूरी तस्वीर सफेद नजर आ रही है क्योंकि इतना ज्यादा धूल वहां पर उठी, क्योंकि एक बिल्डिंग नहीं रही, एक के बाद एक कतारबद्ध रूप से वहां पर 7 बिल्डिंग ढहती चली गई। और लोग जो वहां पर बस स्टैंड पर मौजूद थे, ये कुल्लू का नया बस स्टैंड है, यहाँ पर जो लोग मौजूद थे फिर अपनी जान बचाने के लिए कैसे भागे, जो अगली तस्वीर है उसे देखकर आपको और ज्यादा बेहतर तरह से समझ में आएगा। एक बार ये तस्वीरें आप देख लें, चूंकि यहाँ पर लोग हैं इन्हें एक अंदाजा होने लगा था और ये दौड़ना शुरू हो गए और दौड़ते दौड़ते देखिए कैसे छलांग लगाने लगे। यहाँ पे जो रेलिंग है, रेलिंग से सीधा कूद के नीचे आ गए और जो नीचे सड़क जा रही थी फिर वहां से भी अपनी जान बचाकर दौड़कर भागने लगे। हमारे साथ संवाददाता पुनीत परिंजा जुड़े हुए हैं। पुनीत, वाकई में बहुत ही भयानक ये तस्वीर है। राहत की बात हम इतना कह सकते हैं कि इन इमारतों को खाली करवा लिया गया था, वरना कितनी बड़ी जान की हानि होती इन तस्वीरों को देखकर हम केवल अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी, राहत की बात यह है कि इन इमारतों को पहले से खाली करवा लिया गया था, वरना यहाँ पर काफी ज्यादा जानी नुकसान जो था वो हो सकता था। माली नुकसान तो हुआ ही है लेकिन जानी नुकसान जो है वो बच गया है। लेकिन एक बात देखने वाली ये है मीनाक्षी, जिस तरह से बिल्डिंग जो है ताश के पत्तों की तरह गिर रही है, सुबह 9:40 का ये हादसा है, लेकिन आसपास के घरों में भी काफी क्षति हुई होगी, क्योंकि जाहिर तौर पर जो हमने तस्वीरें भी देखी है उसमें ये साफ तौर पर आ रहा है कि काफी भीड़ भाड़ वाला और कंक्रीट का पूरा जंगल वहां पर नजर आ रहा है, तो काफी ज्यादा घर वहां पर बने हुए हैं, तो आसपास के घरों को भी वहां पर काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा होगा, ये देखने वाली बात होगी। दूसरा, पहाड़ों के ऊपर अंधाधुंध निर्माण चल रहा है और उसके चलते पहाड़ जो है वो कितना बोझ उठा सकते हैं, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार इतना जो इन तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा पा रही हूँ। आप तो देखिए लगातार हिमाचल के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो आप तो आंखों देखी बता सकते हैं, लेकिन केवल इन तस्वीरों को देखकर जो मुझे अंदाजा मिलता है, पहाड़ तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। पहाड़ की ऊंचाई कितनी है, ये पहाड़ कितना बड़ा है, ये तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। एक के बाद एक पीछे बिल्डिंग से बिल्डिंग्स, कंक्रीट का जंगल ऊपर, इस समय बहुमंजिला निर्माण जिस इस वीडियो में भी अगर हम देखें तो एक निर्माणाधीन इमारत दिख रही है, बहुमंजिला निर्माण उस पर हुआ हुआ है। तो इस तरह की तमाम, चाहे वो शिमला हो, मंडी हो और यहाँ पर मनाली हो, कुल्लू हो, जिस जगह भी हम लोगों ने रिपोर्टिंग की है, तमाम जगह ऐसे ही तस्वीर सामने देखने को मिली कि पहाड़ों के ऊपर बहुमंजिला निर्माण हुआ और जिसके चलते इस तरह के हादसे जो है वो सामने आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल पुनीत, अब हिमाचल प्रशासन कर क्या रहा है? अब केवल इमारतों को खाली कराएगा? अब इतनी बड़ी इमारतें अगर यहाँ पर खड़ी हो गई तो ये गलती किसकी है? और ये तो केवल 7 इमारतें गिरी हैं, इसके आसपास की जो तस्वीर हम देख रहे हैं वहां पर भी बहुमंजिला इमारतें बनी हुई हैं। हो सकता है जहां से ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया है वहां पर भी कोई बहुमंजिला इमारत होगी। प्रशासन कर क्या रहा है? देखिए जाहिर तौर पर सवाल जो है प्रशासन के ऊपर भी आ रहे हैं, और जिस तरह से ना सिर्फ पहाड़ों के ऊपर अतिक्रमण हो रहा है, नदियों के किनारे भी हिमाचल में लगातार अतिक्रमण हो रहा है, जिसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात हिमाचल जैसे सूबे में पैदा हो रहे हैं, जहां पर कभी बाढ़ का जिक्र नहीं होता था, लेकिन क्योंकि नदियों के दोनों तरफ जिस तरह से नदियां संकरी हो गई, बहुमंजिला इमारतों का निर्माण हो रहा है, तो ये तमाम जो लोग हैं, जो कुदरत जो है वो कह सकते हैं कि अब कुदरत जो है वो जब आती है तो फिर तबाही जो सबसे ज्यादा सामने आती है, जो इंसान है वो लगातार जिस तरह से खुद ही तबाही की तरफ अपना आप पुनीत असर बनाए रखिएगा। ये बिल्कुल सच बात है, इसमें आम लोगों की भी उतनी ही भूमिका है जो पहाड़ को खोखला कर रहे हैं, उन्हें कमजोर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपकी पूरी जानकारी के लिए। पुनीत, आपको अब मंडी की भी तबाही की एक तस्वीर दिखाते हैं। आबादी के हिसाब से मंडी हिमाचल प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है और इस बार यहाँ पर बहुत तबाही हुई है। जिले के पंडोह में बादल फटने की वजह से तबाही हुई है। बादल फटने के बाद आए सैलाब में एक स्कूल के बहने की खबर आ रही है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये मंडी का पंडोह इलाका जहां पर बादल फटा और बादल फटने के बाद तेजी से बारिश और लैंडस्लाइड, मलबा बहते हुए नीचे की तरफ आया और जानकारी के मुताबिक एक स्कूल भी इस सैलाब में बह गया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं और आबादी के लिहाज से ये सघन आबादी वाला इलाका हिमाचल प्रदेश का कहा जाता है। मंडी के कटौला में भी क्लाउड बर्स्ट हुआ है। पहाड़ पर बादल फटने से कटौला नाले का पानी बाहर आ गया है और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं।
इस इलाके में बादल फटने की ये तीसरी घटना है। मंडी में बारिश की वजह से नदी के किनारे बसे हुए मकानों पर फिर से खतरा मंडरा रहा है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, बादल फट रहा है, बारिश हो रही है, नदियों का जल स्तर भी बढ़ता जा रहा है और खासतौर पर नदियों के किनारे जितने भी रिहायशी इलाके हैं उन्हें खाली करने के लिए कह दिया गया है। हिमाचल के सोलन की भी एक तस्वीर आपके सामने, जहां बादल फटने के कारण काफी तबाही मची है। सोलन के सुबाथू में बादल फटने के बाद तेजी से आया पानी अपने साथ कई गाड़ियों को बहा कर ले गया। सैलाब के पानी के साथ बहकर आई दो गाड़ियां हवा में लटक गईं, जबकि कई गाड़ियां कीचड़ में फंस गई हैं। बादल फटने के बाद सुबाथू के कई मकानों को भी नुकसान पहुंचने की खबर है, जहां पानी के साथ आया मलबा घरों में घुस गया है। और यहां पर देखिए ये दो गाड़ियां लटक गई हैं बेसिकली। सोलन में बद्दी इलाके में बालक नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण बद्दी पुल का एक पिलर ढह गया और इस वजह से पुल बीच में से ही झुक गया है। ये ब्रिज कल्क बड़ी और आगे स्वार घाट तक जाता है। पुल के बंद होने की वजह से हरियाणा और बद्दी का संपर्क पूरी तरह से कट गया है। हालांकि प्रशासन ने ट्रैफिक को डायवर्ट किया है, लेकिन लोगों को बहुत दिक्कतें उठानी पड़ रही है। ऐसा झूलता हुआ पुल नजर आ रहा है। जैसे जैसे नदी का जल स्तर बढ़ रहा है, इस तरह के तमाम पुल पर भी संकट मंडरा रहा है। अब आवाजाही यहां से ठप हो गई है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। ये तस्वीरें धर्मशाला की है, जहां बारिश ने प्रलय मचाई है। सड़कों पर समंदर बह रहा है, नदियां उफान पर हैं। शिमला में लगातार हो रही बारिश की वजह से बड़े बड़े पेड़ तिनके की तरह ढह रहे हैं, लोगों के घरों को तोड़ रहे हैं। लोग दहशत में हैं कि न जाने कब कौन सा पेड़ उनके घर पर गिर जाए। डर है, हम नीचे सेफ कहीं अपने पड़ोसियों के घर जा रहे हैं। हमारे तो यहाँ डर है, रात सारी रात हम सोए नहीं। सुबह 7 बजे पेड़ गिर गया हमारे छत के ऊपर, तो हमारे को तो अब सेफ जगह में जाना ही पड़ेगा। और 2-3 और पेड़ है खड़े, वो भी गिरने वाले हैं। सर ये साथ बिल्कुल पड़ोस में घर गिरा, पेड़ गिरा। मैं बिल्कुल ही एडजॉइनिंग में रहता हूँ। रात अभी सुबह 7:30 की बात है, बहुत जोर से आवाज आई और पेड़ पूरा गिरा छत पे, सारी डैमेज हो गया सर। छत अंदर पानी आ रहा है घर में, तो हम भी यहाँ से कहीं सेफ जगह पे जा रहे हैं सर। बारिश से यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है। अभी हमारे साइड में पेड़ गिरे, जैसे आप देख ही रहे होंगे, यहाँ बिल्डिंग टूट गई है। यहाँ हमारे प्रशासन DC साहब वगैरह सब आए थे, उन्होंने देखा है, जांच पड़ताल की। और हमारे परे भी 2 बिल्डिंगें बहुत खतरे में है, ना वहाँ डंगे लगे हैं ढंग से, 2 बिल्डिंगों को बिल्कुल खतरा है। और ऊपर 2 पेड़ हैं, उन पेड़ों का हमें इतना खतरा है, हमने उसकी डिमांड की, एप्लीकेशन दी, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। बोल रहे कि ये नए पेड़ और हम इन पेड़ों को नहीं काटेंगे। ये नाभा एस्टेट है शिमला का, जो रेलवे स्टेशन के बिल्कुल साथ है। और यहाँ पर सुबह 7:30 बजे के करीब बहुत बड़ा पेड़ गिरा है, जिसमें बहुत सी फैमिलियाँ रहती है। और अभी भी जो ऊपर का फ्लोर है उसमें फैमिलियों के साथ बड़े बुजुर्ग बच्चे सब रहते हैं। अब आप बताओ कि कितनी जोर से रात से बारिश लगी है। और इन पेड़ों के बारे में, एक तो पेड़ गिर चुका है, अभी 3-4 पेड़ और गिरने वाले हैं, जो आज एडमिनिस्ट्रेशन ने आके देखे हैं, जिनकी आंखें आज खुली है पेड़ गिरने के बाद। शिमला में मूसलाधार बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। बारिश की वजह से अस्पतालों का भी बुरा हाल है। ये शिमला का IGMC अस्पताल है, जहां वार्ड के अंदर आप देखिए छत से पानी टपक रहा है और एक दो बूंद नहीं, लग रहा है बारिश हो रही है, शावर खुल गया है। और ये हालात अस्पताल के अंदर बने हुए हैं, और वो भी नया ब्लॉक है, नया नया कंस्ट्रक्शन है। इसमें पानी भरने की वजह से ब्लॉक को खाली करना पड़ा और मरीजों को शिफ्ट किया गया है। अब खबर रूस से, जहां एक ऐसी खबर आई पूरी दुनिया ने इसे चौंका दिया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ सैनिक बगावत करने वाले वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की विमान हादसे में मौत हो गई है। यह हादसा रशिया की राजधानी मॉस्को के करीब 300 किलोमीटर दूर हुआ है। हादसे में कुल 10 लोगों के मौत की खबर है। इसमें प्रिगोजिन के अलावा विमान के 3 क्रू मेंबर्स भी शामिल हैं। इस प्लेन ने मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग के लिए उड़ान भरी थी। एयर ट्रांसपोर्ट के लिए रशियन एजेंसी ने हादसे में प्रिगोजिन के मारे जाने की पुष्टि की है।
पैसेंजर लिस्ट में वैगनर चीफ का नाम भी जारी किया गया है। रशियन सरकार ने इस हादसे की जांच के लिए कमेटी बना दी है। वैगनर ग्रुप ने भी अपने टेलीग्राम पेज पर अपने बॉस के मारे जाने की पुष्टि की है। वैगनर ग्रुप की टेलीग्राम पेज पर हादसे के शिकार विमान की तस्वीर भी अपलोड की गई है, लेकिन प्रिगोजिन की मौत को लेकर कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या वाकई हादसे में वैगनर बॉस की मौत हुई है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? क्या किसी रॉकेट से हमला करके इस प्लेन को क्षतिग्रस्त किया गया है? सवाल यह भी। वैगनर चीफ की मौत पर दुनिया भर से सवाल सामने आ रहे हैं। सवाल उठाने वालों में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल हैं। बाइडेन ने कहा कि वो इस खबर से बिल्कुल हैरान नहीं है, क्योंकि रशिया में ऐसा कुछ नहीं होता जिसके पीछे पुतिन का हाथ ना हो। विमान हादसे पर पुतिन के ऊपर शक जताया जा रहा है और ये शक खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जताया। उन्होंने कहा प्रिगोजिन की मौत को लेकर उन्हें कोई हैरानी नहीं है। रशिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता जिसके बारे में पुतिन को जानकारी ना हो। उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने बयान दिया, मुझे नहीं पता है कि क्या हुआ है, पर मैं इस खबर से हैरान नहीं हूं। रूस में शायद ही ऐसा कुछ होता है जिसके पीछे पुतिन का हाथ ना हो। मैं इस मामले में इतना नहीं जानता हूं कि कुछ कह पाऊं। अब आप सोचिए, राष्ट्रपति जो बाइडेन पुतिन पर सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं, भले ये कहें कि वो कुछ जानते नहीं हैं, ना इतना जानते हैं कि इस पर वो कुछ ज्यादा कह सके, लेकिन इनडायरेक्टली वो ये जरूर कह रहे हैं कि रशिया में ऐसा कुछ होता ही नहीं जिस पे पुतिन की सहमति ना हो या पुतिन का हाथ ना हो। अब सवाल ये है कि वैगनर बॉस की मौत पर ये सवाल क्यों है?